आदि पुरुष, जी हाँ दोस्तों, आदि पुरुष बोले तो प्रभास सैफ अली खान, और इसको डायरेक्शन कर रहे हैं दोस्तों ओम राउत, जिन्होंने 2020 जब मूवी आई थी ना तानाजी, 2020 जैसे ही शुरू हुआ था ना, बोले तो 10 जनवरी को आई थी तानाजी, और ऐसी कमाई की बॉक्स ऑफिस पे कि लॉकडाउन ही लगा दिया। तो दोस्तों बोले तो डायरेक्शन उन्होंने बहुत फंटास्टिक किया था। तो गाइज अब वो बना रहे हैं एक बोले तो आदि पुरुष सैफ अली खान सुपर्ब, बोले तो प्रभास सुपर्ब। अभी ना दोस्तों कीर्ति सेनन एंड सनी सिंह, अरे भाई आप एक बोले तो रामायण टाइप की मूवी बना रहे हो आप। आदि पुरुष, रावण का कैरेक्टर करेंगे हमारे सैफ अली खान, श्री राम जी का कैरेक्टर करेंगे बोले तो प्रभास, सीता जी का रोल करेंगी कीर्ति सेनन, और लक्ष्मण जी का रोल करेंगे बोले तो अपना सनी सिंह। तो गाइज बोले तो यार मतलब कि जो दो है हीरोइन है जो हमारी कीर्ति सेनन एंड सनी सिंह, मतलब कि बेड कास्ट बोल सकते हैं दोस्तों, मतलब कि ओम राउत ने अगर ये कास्टिंग किया है तो उनके लिए सबसे बेड कास्ट बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से तो नहीं लग रहा कि कीर्ति सेनन उस करेक्टर को सही से प्ले कर पाएंगी। बाकी रहा सनी सिंह, उनका एक्टिंग देखा हूँ मैं, ओके ओके है, कोई सी भी मूवी हो, उजरे चमन, बाकी सोनू की टिट्टी की सीटी, जो भी उनका मूवी दो तीन देखा हूँ मैं, ओके ओके परफॉर्मेंस देखा, मेरे को कुछ दम नहीं दिखा बंदे में। तो अब वो लक्ष्मण जी का रोल करेंगे, अरे दो स्टार आपके पास, दो सुपर स्टार है, प्रभास सैफ अली खान, थोड़ा अच्छा फीमेल एक्टर लो लक्ष्मण का कैरेक्टर के लिए, थोड़ा अच्छा स्टार कास्ट लेना चाहिए था। लेकिन कीर्ति सेनन तो कचड़ा करेगी, बराबर करेगी कचड़ा एक्टिंग का, क्योंकि उसने साबित किया था दोस्तों, एक मूवी आई थी पानीपत 2019 में दिसंबर महीने में, जो कि उसने बहुत कचरा किया था मूवी के अंदर, साथ में राजकुमार, सॉरी नाम भी बोला, अर्जुन कपूर, इनका तो नाम ही बुला जाता हूँ मैं, अर्जुन कपूर और कीर्ति सेनन मिल के इतना कचरा किया कि संजय दत्त का ये मूवी बेकार ही चला गया। जो आस थी संजय दत्त की कि बहुत बड़ा कम बैक करेंगे, फिर वापस बॉक्स ऑफिस में धमाका करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनका कारण बना बोले तो कीर्ति सेनन और बोले तो अर्जुन कपूर। तो दोस्तों मेरे को नहीं लग रहा कि कुछ दम दिखा पाएंगे, बस मैं इसकी चीज़ बोलूँगा, अगर स्टार कास्ट उन्होंने साइन किया तो सोच समझ के किए होंगे, लेकिन हम लोग के नज़र में ये बेड कास्ट है। आप लोगों की क्या राय है आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना दोस्तों। तो बस भाई इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय महाराष्ट्र।